बैक टू माई चैनल स्किन केयर टिप्स बाय दीपिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं एक कट क्रीज मेकअप ट्यूटोरियल करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल सा है और आप इसे इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा होगा अगर आप दिवाली में ट्राई करते हो और भैया दूज में ट्राई करते हो, लाइक आप कभी भी ट्राई कर सकते हो इस मेकअप ट्यूटोरियल को। सो यस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उसके सामने छोटा सा बेल आइकन है, उसे हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज डालू आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ निविया मॉइस्चराइजर। इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी और हल्के हाथों से मसाज करूंगी। उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मी 925 प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन इन द शेड न्यूट्रल चेस्टन। इसको मैं अपने पूरे फेस पे और नेक पे भी अप्लाई करूंगी, क्योंकि नेक पे भी अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड मीडियम। इसको मैं अपने हाइलाइट्स पॉइंट पे लगा लूंगी। सेम कंसीलर को मैं अपने लिड पे भी अप्लाई करूंगी एज अ प्राइमर। देन इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेस स्कैंडर का कॉम्पैक्ट। इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो कंसीलर है वो सेट हो जाए। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को कॉन्टोरिंग कर लूँगी अपने नोज़ को, ताकि जो मेरा नोज़ है वो थोड़ा शार्प दिखे। अपने चीक पे, अपने फोरहेड पे, लाइक जहाँ जहाँ पे कॉन्टोरिंग करते हैं गाइज वही वही पे करना है आपको, ताकि जो आपका फेस है वो थोड़ा शार्प दिखे। कॉन्टोरिंग को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे बिग ब्रश के मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी दोबारा से। उसके बाद मैं एक पीची काइंड ऑफ ब्लश अप्लाई करूंगी अपने एप्पल ऑफ द चीक्स में। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से ये शेड पिक करके उसे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। गाइज आई थिंक ये कुछ लाइक ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सा शेड है। गाइज आपको आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना होगा, क्योंकि अगर आप आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद स्विस ब्यूटी के पैलेट में से ये ब्लैक शेड पिक करके उसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी और ब्लेंड करूंगी। उसके बाद सेम कंसीलर से मैं कट क्रीज कर लूंगी। उसके बाद कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं अपने फिंगर की मदद से डैब डैब करते हुए थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से ये शिमरी शेड पिक करके उसे मैं अपने कंसीलर के ऊपर अप्लाई करूंगी।
उसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, एक विंग लाइनर। और लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आया का ये वाटरप्रूफ लाइनर। उसके बाद सेम पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड को पिक करके उसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी और ब्लेंड करूंगी। उसके बाद स्विस ब्यूटी के पैलेट में से ये गोल्डन ग्लिटर शेड पिक करके उसे मैं अपने शिमरी शेड के ऊपर अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं काजल अप्लाई करूंगी अपने लोअर वाटर लाइन में। नेक्स्ट मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन मस्कारा। इसको मैं 3 to 4 कोट अप्लाई करूंगी मस्कारा। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूंगी। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आया का आईब्रो पेंसिल। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को हाईलाइट कर लूँगी, अपने चीक बोन पे, अपने नोज पे, अपने आईब्रो बोन पे, जहाँ जहाँ पे हाईलाइट चाहिए। उसके बाद मैं एक ऑरेंज काइंड ऑफ लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। सो गाइज हियर इज माई फाइनल लुक। और आई होप आप लोगों को ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। बहार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना पासार लेके झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला।